कमेंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर, आपका दोस्त सलमान शाल। व्यूअर्स, आज हम ओशा का कोर्स शुरू करने वाले हैं। ओशा का जो कोर्स हम शुरू कर रहे हैं, ये कोर्स 48 आवर्स वाला है। इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू सेफ्टी मैनेजमेंट। सेफ्टी मैनेजमेंट किसे कहते हैं? व्हाट इज सेफ्टी मैनेजमेंट? स्टेप बाय स्टेप अप्रोच टू कीप एन एनवायरमेंट और वर्क प्लेस क्लीन फ्रॉम रिकॉग्नाइज हजार्ड रिस्क इज कॉल्ड सेफ्टी मैनेजमेंट। इसका मतलब ये है कि हम अपने माहौल को या अपने काम करने की जगह को हजार्ड मीन खदशात और रिस्क मीन खतरात। मतलब ये हुआ कि हम अपने माहौल को या अपने काम करने की जगह को खतरात और खदशात से साफ रखते हैं, इसको कहते हैं सेफ्टी मैनेजमेंट। अपने माहौल और काम करने की जगह को हजार्ड खतरात और खदशात से साफ रखने को सेफ्टी मैनेजमेंट कहते हैं। सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए हम कुछ स्टेप फॉलो करते हैं। इसमें सबसे पहली स्टेप है पॉलिसी। सेफ्टी मैनेजमेंट के लिए हम बनाते हैं पॉलिसी, इसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसको हम तरतीब देते हैं, उस पॉलिसी को हम तरतीब देते हैं। फिर है प्लानिंग, उस पॉलिसी को हम प्लानिंग के जरिए इम्प्लीमेंट करते हैं। इम्प्लीमेंट मीन नाफिस करना, और इसके बाद हम वो रिव्यू करते हैं। रिव्यू का मतलब यहाँ पर ये है कि हम देखते हैं कि हमारा जो पॉलिसी है, आया वो पॉलिसी सक्सेसफुल है कि नहीं, कामयाब है कि नहीं। अगर हमारी पॉलिसी में कुछ खामियां हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, कुछ एरर्स हो, तो रिव्यूइंग के ज़रिए हम वो खामियां, वो प्रॉब्लम्स रिमूव कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, फिर हमारा दूसरा टॉपिक है रीज़न फॉर मेंटेनिंग प्रोमोटिंग गुड स्टैंडर्ड ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। वो कौन कौन सी वजूहात है जिसकी वजह से हम हेल्थ एंड सेफ्टी प्रमोट करते हैं? सही है जी। तो हमारे पास तीन वजूहात है, थ्री रीजन है जिसकी वजह से हम सेफ्टी एंड हेल्थ प्रमोट करते हैं। एक हमारी है मोरली, दूसरी है सोशल और लीगल, तीसरी है इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल। मोरली मीन अखलाकी तौर पर, सोशल या लीगल मीन कानूनी तौर पर, इकोनॉमिक फाइनेंशियल मतलब माशी तौर पर। ये तीन वजूहात है जिसकी वजह से हम सेफ्टी एंड हेल्थ प्रमोट करते हैं। ओके, फिर हमारे पास टॉपिक है की टर्म ऑफ हेल्थ एंड सेफ्टी। मतलब कि हेल्थ एंड सेफ्टी की टर्म्स कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल है हेल्थ। What is health? The protection of body and mind from illnesses and diseases. अपनी body, जिसम और mind को बीमारियों से महफूज रखने को हम health कहते हैं। इसके बाद हमारे पास second topic है safety. Safety means तहफ्फुज। What is safety? The absence of risk of serious personal injury. मतलब ये कि अगर एक जगह में या कोई भी जगह पर, आप एक जगह पर काम करते हो, कंपनी है या कंस्ट्रक्शन साइड है या ऑयल एंड गैस साइड है, जो भी साइड है, उनमें पर्सनल इंजरी नहीं है। ठीक है जी। मतलब एक ऐसी जगह जहां पर कोई पर्सनल इंजरी की चांसेस ना हो, तो उसको हम कहते हैं सेफ्टी। थर्ड वन हमारे पास है वेलफेयर। वेलफेयर का मतलब है फलाव बहबूद। इट्स मीन एक्सेस टू बेसिक फैसिलिटीज, वॉशरूम, बाथरूम, रेस्ट रूम, प्रेयर प्लेसेस, ड्रिंकिंग वाटर। मतलब ये अगर हमारे पास एक जगह में वॉशरूम की फैसिलिटी है, बाथरूम की फैसिलिटी है, रेस्ट रूम की, प्रेयर प्लेसेस की मतलब नमाज पढ़ने की जगह, एंड ड्रिंकिंग वाटर पीने के लिए साफ पानी, तो उसको हम कहते हैं वेलफेयर। ओके, अगर एक जगह पर हमें बेसिक फैसिलिटीज मिलते हैं, तो उसको हम कहते हैं वेलफेयर। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन।
वट इज एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, इसका मीनिंग है माहौलियाती तहफ्फुज़, द प्रिवेंशन ऑफ डैमेज टू एयर लैंड वाटर एंड लिविंग क्रिएचर एंड द वाइडर एनवायरमेंट इज कॉल्ड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसका मतलब ये है कि माहौल में मौजूद हवा, जमीन और पानी और लिविंग क्रिएचर मतलब मखलूकात, मखलूकात को डैमेज नुकसान पहुंचने से महफूज रखने को हम कहते हैं वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। अगर हम अपने हवा को, ज़मीन को, वाटर को और मखलूकात को ख़राब होने से बचाते हैं तो उसको हम कहते हैं एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन। इसके बाद हमारे पास टॉपिक है एक्सीडेंट। व्हाट इज एक्सीडेंट? एन अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट व्हिच लीड्स टू इंजरी, डैमेज और लॉस। मतलब कोई भी वाकया जो हम नहीं चाहते या जो प्लानिंग से बाहर हो और उसकी रिजल्ट जो है ना वो इंजरी में हो या नुकसान में हो या डैमेज में हो तो उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट। कोई भी हादसा जिसकी रिजल्ट नुकसान या इंजरी में हो तो उसको हम कहते हैं एक्सीडेंट। फिर हमारे पास टॉपिक है नियर मिस। अनप्लैन्ड अनवांटेड इवेंट दैट हैज द पोटेंशियल टू लीड इंजरी, डैमेज और लॉस बट डिड नॉट सो, इन फैक्ट डू सो। मतलब हर वो हादसा जिसकी रिजल्ट नुकसान या तावान में ना हो उनको हम कहते हैं नियर मिस। फिर हमारे पास है हजर्ड, समथिंग विद द पोटेंशियल टू काज हम, हर वो चीज़ जिसमें नुकसान पहुंचने की ताकत हो उसको हम कहते हैं हजर्ड। फिर हमारे पास है रिस्क, द लाइकलीवुड, या सिंपल हम डिफाइन करेंगे द कॉम्बिनेशन ऑफ लाइकलीवुड एंड कॉन्सिक्वेंसेज इज कॉल्ड रिस्क। लाइकलीवुड और कॉन्सिक्वेंस की कॉम्बिनेशन को, मिलाप को हम रिस्क कहते हैं। फिर हमारे पास है लूज टाइम इंजरी, LTI, आफ्टर एन एक्सीडेंट इफ इंजर्ड वर्कर और पर्सन डज नॉट अपीयर टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज विद इन 24 hours, देन इट इज सेट डेट एन LTI हकर टू अ कंपनी। अगर कोई भी बंदा, अगर कोई भी इंजर्ड जख्मी वर्कर 24 घंटों के अंदर अंदर काम के लिए वापस ना आ सका तो उसको हम कहते हैं कि कंपनी को LTI अकर हुई है। मतलब ये हुआ अगर कोई बंदा कंपनी में काम के दौरान जख्मी हो जाता है और वो 24 घंटों के अंदर अंदर वापस काम के लिए नहीं आता तो उसका मतलब ये होगा कि कंपनी को LTI अकर हुई है। फिर हमारे पास है टूलबॉक्स टॉल्क और सेफ्टी इंडक्शन। अ सेफ्टी टॉल्क टू वर्कर बिफोर द स्टार्ट ऑफ वर्क शिफ्ट इज कॉल्ड टूलबॉक्स टॉल्क। मतलब ये हुआ इसका कि काम शुरू करने से पहले जो हम वर्कर को सेफ्टी हिदायत देते हैं या काम करने के बारे में हिदायत मालूमात देते हैं उसको हम कहते हैं सेफ्टी इंडक्शन और टूलबॉक्स टॉल्क। इनमें हम चार चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं। एक होता है इंफॉर्मेशन मतलब मालूमात, इंस्ट्रक्शन हिदायत, ट्रेनिंग देते हैं और उसको फिर हम सुपरवाइज करते हैं, उसकी हम निगरानी या सरपरस्ती करते हैं। फिर हमारे पास है सेफ्टी रिलेशन, मतलब ये कि कौन कौन से फील्ड या कौन कौन से शुबजात का सेफ्टी से ताल्लुक है या सेफ्टी का कौन कौन से शुबजात में इंटरेक्शन है, इसका ताल्लुक कौन कौन से फील्ड में है। तो एक है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स में इसका ताल्लुक है, मतलब सेफ्टी जो है ना सेफ्टी फिजिक्स में भी काम आ सकता है, केमिस्ट्री भी में सेफ्टी ज़रूरी होती है, बायोलॉजिकल साइंसेज में, इंजीनियरिंग में, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड लॉ, इन फील्ड में जो है ना सेफ्टी एक कलीदी और अहम किरदार अदा करता है। फिर हमारे पास है रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ अ सेफ्टी ऑफिसर, मतलब ये कि एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पांसिबिलिटीज कौन कौन सी है। रिस्पांसिबिलिटीज मीन जिम्मेदारियाँ,
एक सेफ्टी ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जिम्मेदारियां कौन कौन सी है। इसमें हमारे पास सबसे पहले है सेफ्टी ऑफिसर रोल, किरदार, उनका क्या किरदार होता है। तो एक है ट्रेन पीपल, वो लोगों को ट्रेन करेगा, एनफोर्स रूल्स, वो रूल्स को, कवानीन को नाफिज करेगा, इन्वेस्टिगेट एक्सीडेंट, वो हादसात की या हादसे की तफ्तीश करेगा। फिर हमारे पास है साइन ऑफ अ लीडर। एक लीडर में, एक सेफ्टी लीडर में या एक लीडर में कौन कौन सी खसूसियात होनी चाहिए। साइन कहते हैं निशानी को, निशानात, के एक अच्छे लीडर की कौन कौन सी निशानात होती है। तो एक हमारे पास है कमांड, रिस्पेक्ट, एग्जिबिट रिस्पेक्ट फॉर अदर, मतलब वो दूसरों को इज्जत देगा और दूसरों से इज्जत लेगा, सही है जी। फिर हमारे पास है केपेबल फॉर क्लियर कम्युनिकेशन, मतलब उनकी जो कम्युनिकेशन हो वो क्लियर होगी, मतलब उनकी बात हर एक को समझ आती होगी, ठीक है। फिर हमारे पास है ट्रेन इफेक्टिवली, वो लोगों को इफेक्टिवली ट्रेन करेगा, जो लोगों को अच्छी तरीके से ट्रेन कर सकता हो। फिर हमारे पास है हिज गुड लिसनिंग स्किल्स, मतलब ये कि वो हर एक की बात सुनेगा। फिर हमारे पास है अंडरस्टैंड ह्यूमन बिहेवियर, वो लोगों की बिहेवियर को भी समझ सकेगा, लोगों की जो अखलाक है उसको भी समझ पाएगा। ये पांच तो है ना, ये साइन ऑफ अ गुड लीडर होते हैं। फिर हमारे पास है इंट्रोडक्शन टू ओशा। इसमें हम डिफाइन करेंगे कि यार ओशा क्या है, ओशा क्या होता है और इसकी क्या क्या कौन कौन सी अहमियत है। व्हाट इज ओशा? ओशा मीन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन। ये क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्कर सेफ्टी एंड हेल्थ प्रोटेक्शन। हमारे पास फिर टॉपिक है रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब रिकॉर्ड को महफूज रखना। टू कीप द रिकॉर्ड ऑफ ऑल वर्क रिलेटेड वर्क प्रिकॉशन इज कॉल्ड रिकॉर्ड कीपिंग, मतलब काम से मुतालिक जितने भी कागजात है उसको हम महफूज रखते हैं तो उसको हम कहते हैं रिकॉर्ड कीपिंग। एम्प्लॉयर ऑफ 11 और मोर एम्प्लॉयज मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ ऑक्यूपेशनल इंजरीज एंड इलनेसेस, मतलब एक सेफ्टी ऑफिसर है और उसके अंडर, उसके जेर निगरानी 11 से ज़्यादा एम्प्लॉयज है, मजदूर है, तो वो उस पर ये लाजिम होगा कि वो उन तमाम मजदूरों की, एम्प्लॉयज की जो कारकर्दगी रिपोर्ट है या उनकी इलनेस बीमारी की रिपोर्ट है वो महफूज रखेगा। ओके जी, ये हमारे आयोश क्लास, ओशा का क्लास नंबर फर्स्ट था। मुझे उम्मीद है कि आप सबको समझ आई होगी। अगर आपको किसी भी जगह पर कोई प्रॉब्लम हो या कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।